प्रवीण धरवरिया जी, माधव दास यादव जी, बहुत सारे नाम है, सभी के लिए जोरदार ताली बजाओ। राम निवास रावत जी, विजयपुर के लोकप्रिय विधायक और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, अब हमारे परिवार का हिस्सा बने। इस मंच पर बैठे सभी नेताओं के लिए एक बार अभिनंदन कर दें अपने मन से सभी लोग। यहां एक होड़ लगी है और होड़ कैसी लगी है, मध्याह्न का चढ़ते सूर्य देवता अपना ताप बता करके चुनाव की गर्मी में अपनी गर्मी से परीक्षा ले रहे हैं हमारी, और हमारी जनता सूरज देवता से निवेदन कर रही है कि जितनी गर्मी लाना है आप लाइए, यहां भाजपा की गर्मी के आगे सब कोई पानी भरेंगे, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है मित्रों, जरा आप बैठ जाओ, जिनको जरा कैमरा वैमरा सेट हो ठीक है, नहीं तो नीचे खड़े हो जाओ, ये पीछे दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, हमारा मत लाइव करना चल जाएगा, लेकिन जनता को दिखना, हमको जनता से मतलब। जरा बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ, और जिनका कैमरा वो सेट करके छोड़ दे बाकी बैठ जाओ। अब इन बैठने वालों के लिए ताली बजा दो भाई एक बार। मैं दोनों हाथ उठा करके आपको प्रणाम करना चाहता हूं। आज ये जो जिस प्रकार की जनमेदनी है और इस भीषण गर्मी में आपने आकर के जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, हम सब जानते चुनाव के इस दौर में ये चुनाव किसके लिए हो रहा है, किनके लिए हो रहा है, जरा बताओ किनके लिए हो रहा है, किनके लिए हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी के लिए हो रहा है। जोरदार ताली बजाओ, चुनाव नरेंद्र मोदी जी के लिए हो रहा है, और नरेंद्र मोदी जी की ट्रेन में एक हमारे अपने जैसे विक्रमादित्य और उनके नवरत्न होते ना, ऐसे ही विक्रमादित्य का काल तो आज नहीं है, लेकिन सुयोग के साथी के नाते से यहाँ के हमारे अपने लोकप्रिय नेता श्रीमान सिंधिया जी हमारे साथ है, एक साथ दोनों के लिए जोरदार अभिनंदन कर। और ये जिस जगह पे मैं बात कर रहा हूं, ये हमारे लिए गुना का बेल्ट, मुंगावली और ये पूरा क्षेत्र, मैं तो भाग्यशाली हूं, परमात्मा की दया से आज के चुनाव में हमारी पीढ़ियां याद करेगी, पीढ़ियां 500 साल तक जो संघर्ष हुआ, जिस संघर्ष के कारण भारत का लगातार गुलामी के काल में लगातार मान मर्दन होता गया, एक के बाद एक जिन जिन बातों को लेकर दुनिया में भारत का मान सम्मान होता था, काल के प्रवाह में आतंकवादियों ने आतताइयों ने हमारे मान बिंदु नष्ट करने का प्रयास किया और हमारी संस्कृति पे हमला किया। घर में दो रोटी तो सब खाते हैं और मनुष्य क्या खाए, सभी प्राणी को परमात्मा ने भाग्य में दिया है, लेकिन मनुष्य और बाकी में अंतर अगर कोई है, वो ये अंतर मूल है कि हम अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से, अपने पुरखों से, अपने अतीत से जुड़ करके गौरव करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे उस गौरवशाली पक्ष को लेके चलने में, मैं तो उज्जैन से आता हूं और सिद्धावंश का उज्जैन में पहले राजधानी थी, राजा सूरसेन यादव की नगरी थी उज्जैन, और भगवान महाकाल का भव्य मंदिर बना हुआ था, काल के प्रवाह में 1235 में तोड़ दिया गया वो मंदिर, दुर्भाग्य से उस काल में दोबारा मंदिर बनाने के लिए समय खराब था, बन नहीं पाया, लेकिन जैसे ही सिंधिया जी की राजधानी उज्जैन बनी, हमारे महाजी महाराज साहब और राणोजी महाराज साहब उनने उज्जैन के सारे मंदिर बनाकर मुगलों को उनका कांच दिखाने का काम किया, हमारे देवस्थान को सच धर के तैयार करने का काम किया। हमारे उस अतीत से जुड़ने की जरूरत है, स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से आप महाकाल जाओ, काल भैरव जाओ, चिंतामण जाओ, हरसिद्धि जाओ, जितने देवस्थान हैं आज आपको जो भव्य रूप में दिखाई दे रहे हैं, सारे
के सारे देवस्थान सिंधिया वंश के कारण दिखाई दे रहे हैं। ये 33 करोड़ देवी देवताओं का आनंद अगर उज्जैन को मिला है, जो हमने आज अभी नए दौर में देख रहे हैं, और जो वो वंश उस समय का समय हो सकता है 250 साल पहले हम आप तो नहीं थे, लेकिन ये अतीत तो कोई बदल नहीं सकता है ना, अतीत तो जुड़े ही रहेगा। लेकिन आप अंदाज लगा लो, आज मैं अगर बात कह रहा हूं तो ये इसीलिए कह रहा हूं, हमारा आपका सबका समय अभी ठीक चल रहा है, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे उस समय के दौर में बाजीराव महाराज, शिवाजी महाराज, उनने अपने सांस्कृतिक अनुष्ठान का अभियान चलाया, जिसमें सिंधिया महाराज ने पूरे मालवा और पूरे क्षेत्र को आनंद दिया, पूरे देश में अपनी तलवार की धाक बनाई और हिंदू संस्कृति की पताका फहराई। दुर्भाग्य से अभी के इस समय का भी स्मरण करो, एक बार विजेता लोगों के साथ अपने देवी देवताओं के धाम मुस्कुराने का समय है, और ऐसे में हमारा सबका फर्ज तो और ज्यादा बढ़ जाता। अपन 5000 साल पुराने भगवान कृष्ण का काल याद करो, और कृष्ण के काल में मूल झगड़ा क्या था भगवान कृष्ण और कंस का? मूल झगड़ा एक ही था कि हमारे अपने उस काल में कंस ने उनके पिताजी को गद्दी से उतारा और अपनी दादागिरी से कुर्सी पे बैठे बैठे के नहीं बैठे, कंस ने क्या किया, अपने पिताजी को जेल भिजवाया। ये कांग्रेस और ये कंस वाला एक ही लाइन पे चलते ही, ये बदलते ही नहीं आजकल कुर्सी के लिए, ये जो करे वो कम है, इनके लिए कुर्सी सब कुछ है, कोई अंतर नहीं। अब आप बताओ, जो कंस का साथ दे वो महान के कृष्ण का साथ दे वो महान? दोनों एक ही थे, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आज कृष्ण भगवान की जय जयकार होती तो क्यों होती है? इसीलिए होती है
कि उनने धर्म के मार्ग पे चलना सिखाया, उनने सत्य के मार्ग पे चलना सिखाया, उनने सनातन संस्कृति का ध्वज पताका लहरा करके आनंद दिया, इसलिए हम उनकी जय जयकार करते हैं। दुर्भाग्य के साथ कहिए, आज भी आप देखो कांग्रेस के लोगों से जब मैं बात बोलता हूं तो वो मेरे पे गालियां बकना चालू कर देते हैं। उनके साथ वाले वो घमंड के साथ में आसमान पे बैठ के बात करते हैं। उनके साथ वाले भी लोग बोलते हैं, कौन मोहन यादव, हम तो नहीं जानते। हाँ भैया तुम तो मत जानो, अरे ये 8.5 करोड़ की जनता मध्य प्रदेश वाली वो तो जानती है, उनके आधार पर दुनिया में ध्यान में आएगा। तुम्हारी पार्टी की जय जयकार करने वाले नहीं है, लेकिन भगवान राम और भगवान के कृष्ण की जय जयकार तो करेंगे कि नहीं करेंगे? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हम तो वो सौभाग्यशाली लोग हैं, सरकार बनने के बाद हमने निर्णय किया कि सरकार में माननीय मोदी जी की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन मोदी जी के आह्वान पर ये मध्य प्रदेश की सरकार बनी, और मध्य प्रदेश की सरकार के पहले कई सरकारें बनाई कांग्रेस ने। अरे बेचारे हमारे सुभाष यादव जी ने कितना काम किया, लेकिन उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। ये भाजपा और मोदी जी का शासन काल है कि यदुवंशी को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने का काम किया। ये हमारे लिए, मैं केवल वंश की बात नहीं कर रहा हूं, वंश के साथ साथ एक किसान परिवार की बात कर रहा हूं, एक गरीब परिवार की बात कर रहा हूं। लड़ाई इस बात की, एक लोकतंत्र में हर एक को मौका मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस है वो कभी मौका देती नहीं। कांग्रेस हमेशा अपने स्वार्थ के लिए एक ही परिवार के अंदर सिमट के रखती, दूसरा कोई चाहिए ही नहीं। आप बताओ, देश की आजादी के पहले सबने मिलकर संघर्ष किया, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लंबी लाइन है, इतने सरदार वल्लभ भाई पटेल, इतने सारे लोग थे, लेकिन एक परिवार ने जो कुर्सी पकड़ी ये छोड़ने का ही नाम नहीं ले रहा है। रस्सी जल गई पर बट नहीं गया, अभी तक वो कहीं अकड़ बैठी हुई है। दुनिया में कितना पानी बह गया गंगा जी में उनको मालूम है, लेकिन बदलने वाले नहीं है, इसलिए आज भी उस गलत रास्ते पे बैठे हैं। पहले नेहरू जी, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी, उनके बेटे राजीव गांधी जी, उनकी बहू ने पीछे से, ये भैया पप्पू की मम्मी ने, उनने सरकार चलवा ली 10 साल तक। और ये ऐसा आश्चर्य का माहौल है वर्तमान समय में। देखो रण के क्षेत्र में वीरों की सदैव पूजा होती है, वीरता का सदैव सम्मान होता है, और सच्चे अर्थों में जो अपनी भूमि पर